कांग्रेस ने अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग की है। इस मांग के समर्थन में पार्टी की ओर से सोमवार को देशव्यापी प्रदर्शन किया गया। इस क्रम में रांची में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजभवन घेराव किया। इस प्रदर्शन में सरकार में शामिल कई मंत्री और पार्टी विधायक शामिल हुए। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष एकत्रित हुए। वहां से पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन के लिए निकले, लेकिन जाकिर हुसैन चौक पर पहले से मौजूद पुलिसकर्मियों ने राजभवन के निकट सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि अडानी समूह के पक्ष में केंद्र सरकार की नीति ठीक नहीं है। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी और अडानी की यारी जो है देश पर भारी पड़ रही है। हम लोगों ने लगातार सदन में मांग किया कि आप जेपीसी का गठन करो, लेकिन हमारी बातों को स्पीकर साहब स्पंज करते हैं, कुंद करते हैं, उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। LIC और SBI हमने बनाया है, उसको बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। देश हमने बनाया है, देश बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हम लगातार सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और ये जो यारी निभा रहे हैं उस यारी को जांच के दायरे में लाना होगा। जेपीसी की मांग कर रहे हैं हम लोग, जेपीसी गठन करें प्रधानमंत्री और दूध का दूध पानी का पानी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।